उल्टा करके दूरबीन देख रहे होंगे, सीधा करके देखते तो शायद दिखते भी, अब उल्टा करके देख रहे तो कैसे दिखेगा। मुख तो सरकार है ही नहीं, मैं तो नहीं मोदी सरकार नहीं, मुझे खुद ही सरकार लगती है। पार्टी चाहे कौन सी, लेकिन ओवैसी साहब की बात यह है कि वो हक की बात करते हैं। ये तो देखना ही बेकार है कि हिंदू मुस्लिम या सिख या कोई भी एक पार्टी नहीं, ठीक है। ये देखना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। बस अमित शाह जी हमारे साथ है, 12 बजे टेल रहे हमारे साथ, 1 बजे आ रहे हैं हमारे साथ, हम जेवर पहन के अभी चलते हैं, अभी लूटपाट कर देंगे। हम समीत सपोर्ट रहेगा और वोट रहेगा, वो वैसे आपके लिए रहेगा। अपना साथ अपना विकास, सबका साथ है ही नहीं। अपना साथ अपना विकास करें, विकास की बात ना करें तो क्या कर रहा है विकास, 10 सालों में एक यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर पाए वो यहाँ पे। मीडिया बॉयज आपकी आवाज, विकास तो विकास दिखा दीजिए ना, सड़कों का विकास दिखा दीजिए, कौन सी सड़कें का विकास सही से करवा दिया, उधर से बंद करवाए हैं, खुलवाया कोई नहीं, गड्ढा नहीं है, गुंडे भाग गए, बेटी सुरक्षित है हमारी नहीं। सबसे ज्यादा रेपिस्ट केस है, सबसे ज्यादा भरे पड़े हैं केस, उनको सिर्फ दबा दिया गया है। आसिया कांड पता है, आसिया कांड क्या कर रहा था, कांड हो गए क्या हुआ, उनके साथ में कोई सजा मिली है, कुछ हुआ है, बस आरोपी गिरफ्तार हो गया, आरोपी गिरफ्तार हो गया, कोई फांसी की सजा सुनाई है, कुछ किया है और क्या बची थी, और अभी कुछ और वैसी, अगर हम कुछ वैसी बात कह दें कि भाई हिंदुत्व का मसला आ जाए तो फौरन तुरंत फांसी दे दी जाएगी, आसिया की जगह कोई कबीरा होती है ना होती है तो उसके लिए तो कर दिया जाता, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है। अब ये सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ रही है, मुसलमान की बेटी उसके साथ है, आसिया के साथ क्यों नहीं है आप। लेकिन अमित शाह तो कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में बेटी रात के 12 बजे सोना गहने पहनकर निकल सकती है सड़कों पर, वो अपने घर बैठे हैं। सुनिए अमित शाह जी हमारे साथ है, 12 बजे टेल रहे हमारे साथ, 1 बजे आ रहे हैं हमारे साथ, हम जेवर पहन के अभी चलते हैं, अभी लूटपाट कर देंगे। हम समीत बुलाइए अमित शाह जी को, चलेंगे हमारे साथ। अमित शाह तो खुद नहीं दिखाई दे रहे हैं, बताइए किसी चैनल पर नजर आते हैं, बीन से गुंडे ढूंढ रहे, दिख नहीं रहा। अच्छा, अरे कभी नहीं दिख रहे, वो ऐसा कर नहीं, वो उल्टा करके दूरबीन देख रहे होंगे, सीधा करके देखते तो शायद दिखते भी, अब उल्टा करके देख रहे तो कैसे दिखेगा। सही बात है, थोड़ा फोकस लगाएं, दिखे कहाँ से, तो जो गड्ढा उन्होंने भरवाया उसमें कर दिए, हमें तो दिखा नहीं ना गड्ढा ना वो गुंडे, मुक्त कर दिया ना। अच्छा क्या गड्ढा मुक्त तो सरकार है ही नहीं, मैं तो नहीं मोदी सरकार नहीं, मुझे खुद ही सरकार लगती है, मैं तो यही कहती हूँ। गाड़ी का सपना था मैडम की गड्ढा मुक्त हो उत्तर प्रदेश, विकास हो उत्तर प्रदेश। आप अगर मैं सवाल आपसे कहूँ तो आप क्या कहेंगे इस बारे में, गाड़ी तो अभी चलाते हो, देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, ये सब मैं कह रही हूँ ना, क्या रहे हैं आप जनता के बीच में खड़े हैं तो मोदी, वो हाँ मोदी जी कह रहे हैं इस बात को, तो वो अखिलेश यादव जी की बात कह रहे हैं, उन्होंने जनता से आके पूछा है, जनता से पूछा है इस बात को, पार्टी अपने इतने लेकर के आई है 2022 चुनाव के लिए। अच्छा, हम तक तो नहीं आई, हमें तो ओवैसी साहब आए थे तो लगा गए, उनकी खुशबू महक गई हमारे अंदर, अब देखेंगे हम। अच्छा मैडम, मोदी जी क्या कह रहे हैं, अत्र दे रहे हैं, जो है सोच की भावना खत्म करने के लिए इतर लेकर आए, आखिरी सवाल है, अत्र दे रहे हैं, इत्र दे रहे हैं वैसी अखिलेश यादव, क्या इत्र पसंद आ रहा है नहीं आप लोगों को। अरे तो हम कहना चाहते हैं ओवैसी साहब का इत्र दे रहे हैं, वो ले जाइए आप, मोदी जी को दे दीजिए, अखिलेश यादव जी को दे दीजिए, थोड़ा लगा ले, हो सकता है ओवैसी साहब की खुशबू उनके अंदर थोड़ी महक जाए, मोदी जी और अखिलेश यादव जी की तो नहीं महक रही हमारे अंदर। लेकिन ओवैसी साहब और अखिलेश यादव को मिलने के लिए भी तैयार नहीं है, कहाँ से तो खुशबू तो बहुत दूर तक फैली हुई है, ना मिले इससे क्या फर्क पड़ता है। एक एक ऐसे बैरिस्टर साहब है ये, आप लोगों के लिए देख रहे हैं परफ्यूम, आप लोग लगाओगे नहीं, अल्कोहल होता है इसलिए तो वो जल रहा है निकाल कर। हाँ तो वही तरह ऐसा लाए ना, उसकी खुशबू महक ही नहीं पा रही है, ऐसा इतनी लाए जो उनको ही खुशबू आ रही है, हमें नहीं आ रही, हमें आई नहीं रही। और जो इत्र हमें मिला हुआ है हमारे इस्लाम से और हमारी कौम से, वो हमें लगातार हमारी नाकों में महक रहा है। देखिए सबसे पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी का यही फर्ज है और यही सारी बात है कि एकजुट एकता, और जिस मुल्क में रहते हैं उससे मोहब्बत।
पर। ऐसा कहे नहीं कहे, पार्टी चाहे कोई सी, लेकिन ओवैसी साहब की बात यह है कि वो हक की बात करते हैं। ये तो देखना ही बेकार है कि हिंदू मुस्लिम या सिख या कोई भी एक पार्टी नहीं, ठीक है। ये देखना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, बस इसके सिवा कुछ नहीं। और वो देख रहे हैं इस चीज़ को, और सबसे ज्यादा जो है ना हम लोग का अप्रिशिएट करना ये है कि वो बैरिस्टर है इस टाइम। अच्छा जी, और पार्टी के लीडर है योगी जी, भी मानते हैं, पंडित है योगी जी, बैरिस्टर है वो, बाबा है योगी बाबा है, मानते हैं, हमारे भी बाबा है, हमारे बाबा सोच है, हमारे बाबा बात खत्म। हमारे यहाँ वैसे साहब के चाहने वाले बहुत हैं और मुझे उनकी कुछ बातें बहुत पसंद आई, वैसे तो उनकी सारी बातें ही अच्छी हैं। एक उन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी बात कही है, जो हमारे यूपी में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए अब जैसे IAS PCS होते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो है वो अलग कौम के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम सब बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ IAS भी होने चाहिए, PCS होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए, और जितने भी स्ट्रीम्स गवर्नमेंट स्ट्रीम्स हैं वहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो आगे चलकर गवर्नमेंट डॉक्टर्स बने और आगे चलकर हमारा देश का जो नाम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड रोशन। पहले से नहीं मिल रहा था आप लोगों को, मतलब पहले से जो काबिल लोग थे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे थे, बन रहे थे, नहीं बन रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, बन रहे थे, गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो सरकारी भर्तियाँ हैं तो उसमें हमारी जो काम है उनको कम मौका दिया जाता है, पीछे रखा जाता है, उन्हें पीछे रखा जाता है। मान लीजिए दरोगा है, IPS PCS मेनली जो है वो इसी की बात हो रही है। मुस्लिम की औरत को कभी सुना है आपने IPS PCS या फिर कुछ ऊंचे ओहदे पे आपने मुस्लिम लीग साहब की सभाओं में भी औरतें कम आती हैं, आप लोग सभाओं में कम नहीं आती है, ऐसा है कि कुछ औरतें हमारी तरह जैसे कि अभी मैं हिम्मत करके आई है, अभी ये लोग आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, सब सपोर्ट में हैं लेकिन पीछे हैं, क्योंकि ऐसा है हर लेडीज एकदम से अपने घर को छोड़ के नहीं आ पाती है, मजबूरी होती है, कुछ घर की गृहस्थी होती है उनकी, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ हमारे वहाँ हिजाब का भी एहतमाम रखा जाता है, उसको लेकर के नहीं आ पाती थी। जब मोदी जी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं BJP को वोट की थी क्योंकि हम उनके हक में बोलते हैं, क्या लगता है? हक में तो सिर्फ हर कोई अपनी बोलता है, अभी तक कहाँ तक वो बोले हैं ये तो हमने देखने को नहीं मिला कि मुसलमान की लेडीज के हक में कहाँ बोले, कौन सी बोल रहे थे ट्रिपल तलाक पे, बोले कि हम हक के लिए, वो ट्रिपल तलाक पे तो जबरदस्ती इंटरफेयर करा गया है, वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था लेडीज के लिए, और जो चीज हमारी शरीयत में है वो चीज नहीं हो सकती। मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें कि उन्हें ट्रिपल तलाक में उन्होंने बहुत सारी कोशिश की है लेकिन वो कानून अभी पास नहीं हुआ है। नहीं तो वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं भाजपा के साथ है, वैसी नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम महिलाएं पहले अपने ही धर्म को सपोर्ट करेंगी, ऐसा नहीं है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ मुस्लिम, हम सब हर धर्म को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम को ही सपोर्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है वैसी साहब आए हैं? जी हमें पूरी उम्मीद है, काफी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सबने उनको सपोर्ट किया है, और ऐसा नहीं है कि महिलाएं उनके साथ नहीं है, महिलाएं भी काफी हद तक उनके साथ हैं। नहीं अमूमन देखा जाता है कि रैलियों में कम महिलाएं रहती हैं, मतलब आप जो देखिए गिनी चुनी महिलाएं हैं। देखिए हमारे यहाँ पर कुछ रूल्स और रेगुलेशन दिखाई देते हैं, जहाँ पर्दा भी है उसको लेकर के महिलाएं सामने भले ही ना आए लेकिन वो उनके पूरे पूरे सपोर्ट में हमने, और इंशाल्लाह इसको हम रैली को बढ़ा भी देंगे, ऐसा नहीं है कि होगी नहीं, धीरे धीरे जब हम आगे आए हैं तो पीछे से हमारा सब लोग आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ अगर महिलाएं कम है तो सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट फुल है, बस आज एक है तो एक से ही 1000 बनती है। नहीं तो अखिलेश यादव के साथ भी कहा जाता है कि महिलाएं युवा जुड़ते हैं, तो अखिलेश यादव ने काम नहीं किया था क्या? सबने अपने अपने तरीके से काम करा, अब हमारे ओवैसी साहब अपने तरीके से काम करना चाहते हैं और अपनी कौम के लिए काम करना चाहते हैं, जो और नहीं कर पाए। क्या लग रहा है कि यहाँ आई है सभा में ओवैसी साहब को? 1 घंटे करीब बोलकर गए हैं, क्या लगा उनकी सभा से? जी बिल्कुल लगा है कि मुसलमान क्या, सबसे पहले तो देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, और वो इस बात को कहते भी है कि जिस मुल्क में रहते हैं उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी है, ऐसा नहीं है, तो पूरा सपोर्ट है हमारा उनके साथ में। और जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत कम देखी जाती है मुस्लिम महिलाएं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मुस्लिम महिलाएं सिर्फ अपने हेजिटेशन की वजह से नहीं आ पाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारा पूरा सपोर्ट ओवैसी साहब के लिए है और हम हमेशा उनके सपोर्ट में रहेंगे। और ये जो लैपटॉप दिए थे वो कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप दिया था, हमने नहीं दिया था, उनका लैपटॉप लेकर फिर दिया, हमने नहीं, देखिए हमें तो मिला नहीं, अगर हमें मिला होता
तो हम कह सकते थे कि भाई हमें लैपटॉप मिला है। और अगर इस तरीके की बात करी जाए तो ये जब भी इलेक्शन का मुद्दा उठता है तो ये सारी बातें याद दिलाई जाती हैं, इससे पहले तो कुछ भी नहीं आता है। सुरक्षा की बात लगातार बीजेपी करती है, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं कितनी सेफ है? उत्तर प्रदेश में महिलाएं वैसे तो अपनी सेल्फ डिपेंड के पे ज्यादा सेफ है देखा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ देखा जाए तो अपने आप ही वो इतनी हठधर्मी है कि वो अपने आप खुद से सेव होती हैं, वरना उनको कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दी जाती। जैसे कहा जाए, सरकार कहते हैं कि पुलिस बल भी तैनात है, गुंडे सारे भाग गए हैं, महिलाएं ऐसा कुछ नहीं, ये सब कहने वाली बातें हैं, ये सब कहने की बात है कि गुंडे सब भाग गए हैं और ऐसा है और वैसा है, कुछ नहीं है, सब एग्जैक्टली वैसे ही चलता चला आ रहा है। और आपने देखा होगा सबसे ज्यादा वीमन डे का मुस्लिम महिलाएं निकलती नहीं, आप लोग क्या सोच करके वैसी साहब के सभा में आई? ताकि हम आ गए हैं और हमारे पीछे भीड़ चली आए और हेजिटेशन खत्म हो उनका, हमें देख के उनके अंदर हौसला पैदा हो और वो हमारी तरफ जैसे हम बढ़ गए हैं वो भी बढ़कर आए हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि उनका हेजिटेशन खत्म हो जाए, जो डर है वो दुनिया में निकलने की, दुनिया में निकले और अपने आप को साबित करके दिखाए। अतिकम साहब की जो वाइफ है वो भी सभाओं में जाती है, जहाँ पे जरूरत होती है ना जाती है। तो मतलब क्या लग रहा है, उनसे आप लोग ज्यादा प्रभावित हो रही है कि नहीं? हाँ जी क्यों नहीं हो रहे, बिल्कुल प्रभावित हो रही है। जो निकल के आएगा आगे बोलेगा, आएगा जो निकल के आएगा आगे बोलेगा, तो वो किसी की भी वाइफ हो उनको सपोर्ट तो कर ही जाएगा, ठीक है ना। वो पहले आप किसको वोट करती थी? पहले मैं इतनी छोटी थी तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल अब जो मेरा सपोर्ट रहेगा और वोट रहेगा वो ओवैसी साहब के लिए रहेगा। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दी ओवैसी साहब और मैं उन्हीं को ही सपोर्ट और वोट दोनों ही सपोर्ट करेंगे। महिलाएं पूरा सपोर्ट कर रही जी, महिलाएं पूरा सपोर्ट कर रही है और उनके साथ है। ये पहली जी का जो सपना है कि मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ है, तो उनको क्या कहेंगे? वो कहती है मुस्लिम महिलाओं को अधिकार है, बीजेपी दिलवाती है, उनको भी तो कुछ करना चाहिए ना, उनको सोचने दीजिए ना। कहना पड़ेगी बेटी पड़ेगी बेटी, अरे तो उनका नारा है ना, तो नारा होने दीजिए ना, उनका नारा है वो तो पूरा करने दीजिए। बेटी आगे भी पढ़ लेगी। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे सरकार तो आती है, क्या सब दूसरी सरकार उनको रोक दी जाएगी कौन सी बेटी पढ़ रही कौन सी बेटी पढ़ रही? मैं सोचती हूँ ज्यादा पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हम क्यों बताएंगे? हमारी जैसी और लड़कियां हैं या जो भी औरतें हैं उनको पता है महिलाओं को पीछे ही रखा जाए। हमारी बेटियां इंजीनियर साइंटिस्ट बन रही हैं, उनकी दो चार बेटियां बन गई हैं उनकी, उनके कहने के हिसाब से तो उन्होंने निकल के देखा हमारे बीच में आए हैं, वो हमसे पता किया है। हम एक आम नागरिक है, आम नागरिक है, कभी हमसे आगे कोई सवाल किया उन्होंने कि आपने कितना पढ़ा क्या किया? जो उनकी नजर में है गिनी चुनी डॉक्टर इंजीनियर उनके बारे में उन्हें पता है, गिनती उसी की जो गिनती कर ली वो हो चुकी है, वैसे हिसाब से पता करिए, उन्हें पता है कौन सी बेटियां पढ़ रही हैं कौन सी नहीं पढ़ रही है, इसलिए पूरा दबाव के आज पीर का बाजार इस मंच पे आए हैं और उन्होंने ये सभा को संबोधित किया है, यहाँ इस भाषण को दिया है कि देखिए जो नहीं हुआ उसे करिए, आप आगे आइए। इसलिए मैं खुद करके, मैं यही की रहने वाली हूँ मुरादाबाद की, मैं खुद उनका सपोर्ट करने आई हूँ कि हाँ अब बदलाव का वक्त है। यहाँ से बीजेपी से मुरादाबाद से विधायक हैं, उनके कैसे काम हो, बहुत विकास कराया है? देखिए मुझे नीतीश कुमार जी के बारे में इतना कुछ जी मुरादाबाद के बारे में बात करी, रितेश गुप्ता जी के बारे में इतना मुझे पता नहीं है उन्होंने क्या क्या किया है और देखा भी नहीं है, तो इसलिए पहले तो थोड़ा बहुत कह भी सकते थे, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, अब ओवैसी साहब आए हैं तो इतना महिलाएं क्या सोचती है? अरे क्या नहीं दीजिए, क्या नहीं लोगों का काम है, देखिए क्या है, तो हर पार्टी बंदी का काम है कहना, ठीक है ना, वो कह रहा है और हर बंदा आप अपनी राय रखेंगे वो अपनी रखेंगे, हर बंदे का है कि अपने अपनी राय रखता है सपोर्ट करता है, ठीक है, तो कह रहा है क्या क्या फर्क पड़ता है? नहीं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे यहाँ ओवैसी साहब के चाहने वाले बहुत हैं और मुझे उनकी कुछ बातें बहुत पसंद आई, वैसे तो उनकी सारी बातें ही अच्छी हैं। एक उन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छी बात कही है जो हमारे यूपी में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मान लीजिए अब जैसे IAS PCS होते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो है वो अलग कौम के बच्चे सेलेक्ट होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम सब बच्चों को इक्वल एजुकेशन दे रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ IAS भी होने चाहिए, PCS होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, गवर्नमेंट डॉक्टर्स होने चाहिए, इंजीनियर्स होने चाहिए और जितनी भी स्ट्रीम्स गवर्नमेंट स्ट्रीम्स हैं
वहाँ पर मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो आगे चलकर गवर्नमेंट डॉक्टर्स बने और आगे चलकर हमारा देश का जो नाम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड रोशन। पहले से नहीं मिल रहा था आप लोगों को, मतलब पहले से जो काबिल लोग थे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन रहे थे, बन रहे थे लेकिन कुछ नहीं है, बन रहे थे लगातार बन रहे हैं। गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, गवर्नमेंट की बात हो रही है, जो सरकारी भर्तियाँ हैं तो उसमें हमारी जो कॉम है उनको कम मौका दिया जाता है, तो उन्हें पीछे रखा जाता है। मान लीजिए दरोगा है, IPS PCS मेनली जो है वो इसी की बात हो रही है। मुस्लिम की औरत को कभी सुना है आपने IPS PCS या फिर कुछ ऊंचे अहदे पे? आपने वैसे साहब के सभाओं में भी औरतें कम आती हैं? आप लोग सभाओं में कम नहीं आती है, ऐसा है कि कुछ औरतें हमारी तरह, जैसे कि अभी मैं हिम्मत करके आई, अभी ये लोग आए, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं, सब सपोर्ट में हैं लेकिन पीछे हैं, क्योंकि ऐसा है हर लेडीज एकदम से अपने घर को छोड़ के नहीं आ पाती है, मजबूरी होती है, कुछ घर की गृहस्थी होती है उनकी, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ हमारे वहाँ हिजाब का भी एहतमाम रखा जाता है, उसको लेकर के नहीं आ पाती थी। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाएं BJP को वोट की थी क्योंकि हम उनके हक में बोलते हैं, क्या लगता है आपको? हक में तो सिर्फ हर कोई अपने ही बोलता है, अभी तक कहाँ तक वो बोले हैं ये तो हमने देखने को नहीं मिला, कि मुसलमान की लेडीज के हक में कहाँ बोले, ट्रिपल तलाक पे बोल रहे थे, ट्रिपल तलाक पे बोले कि हम हक दिलवा रहे हैं, वो ट्रिपल तलाक पे तो जबरदस्ती इंटरफेयर करा गया है, वो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था लेडीज के लिए। क्या माना जाए मैम कि मोदी जी का मतलब सबका साथ सबका विकास, महिला सुरक्षा सब फेल हो गया है? अपना साथ अपना विकास, सबका साथ है ही नहीं। अपना साथ अपना विकास, विकास की बात ना करें तो क्या कर रहा है विकास? 10 सालों में एक यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं कर पाए यहाँ पे हमारे लिए, एक देखा तो इतनी किल्लत पड़ रही थी लॉकडाउन, उसमें लॉकडाउन में अस्पतालों की वो तक की फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, कहाँ बनवाया है? अब जब कौन सा मदरसा बनवाया है?